हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। अब हम पहले भी कुछ कक्षाएं लेके आए हों और आज अब अगली कक्षा है आपके लिए। और आप देखिए, हम आपको संविदा वर्ग 3 के लिए मैथ्स का कुछ टॉपिक है वो आपका पूरा क्लियर कराएंगे। यदि आपने इससे पहले वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको आगे कुछ समझ में आएगा कि आगे हो क्या रहा है। हम इसमें बहुत से टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो ये आज आपके लिए क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का औसत 12 है, इनमें से दो संख्याएं 13 और 15 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। अब पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। आपको पता है औसत क्या होता है? यदि मैं 1, 2 और 3 यदि इनका मैं औसत निकालना चाहूँ, तो औसत का मतलब होता है कि उन सभी संख्याओं को जोड़कर जितने भी नंबर ऑफ संख्या है उनका भाग दीजिए। तो कितनी संख्या है यहाँ पर? 1, 2 और 3। इन तीनों को जोड़कर जितने नंबर है, 1, 2 और 3, कितनी संख्या है? 3 संख्या। तो 3 का भाग देंगे तो इससे हमारा क्या आएगा? औसत। तो ये होगा 6/3, तो आपका औसत आएगा 2। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में जितनी भी संख्या है, पहले सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याएं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब भी हम लगातार संख्याओं की बात करते हैं, लगातार संख्याएं, तो उनका औसत वही रहेगा बीच वाली संख्या। यदि मैं यहाँ पे नंबर बढ़ा दूँ 1, 2, 3, 4 और 5, तो जो इनका औसत वही रहेगा बीच वाली संख्या। आप इनको काउंट कीजिए, ये हो गया 6, 4, 10 और 5, 15। 15 में टोटल कितनी संख्या है? 5। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3। कहने का मतलब ये है कि यदि लगातार संख्या है और संख्या विषम होनी चाहिए, विषम नंबरिंग होनी चाहिए, जैसे कि 5 विषम नंबरिंग हो गया। यदि हम यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, ठीक है, तो इनका बीच वाला मत यहाँ पे मान आएगा कोई सा भी, कितना आएगा वो जो भी आएगा आप निकाल लेना, करीबन 2.5 आएगा। लेकिन यदि ऐसी संख्याएं हो 1, 2, 3, 4 और 5, तो उनमें जो बीच वाला होगा वही अपना औसत होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा ये है और आगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा इसके बारे में। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो कहने का मतलब क्या हो कि पहली संख्या तो अपने पास 13 हो गई, दूसरी 15 हो गई, ठीक है। 13 + 15 औसत का मतलब क्या होता है? वही मैं यहाँ लिख देता हूँ। औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्या है, ठीक है। अपने को औसत निकालना है, अपने को संख्याओं का योग चाहिए, तो अपने पास दो संख्या है, तीसरी संख्या अपने मान ली ए, ठीक है। इन सबका औसत कितना है? 12, ठीक है। और संख्याएं कितनी है? संख्याएं कितनी अपने पास? 3, 1, 2 और 3। अब अपना निकल जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करना आपको आना चाहिए, ये लॉन्ग तरीका है, मैं आपको इसके बाद शॉर्ट तरीका बताऊंगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 5 और 2 8, और ये हो गया 28, ठीक है। ये आपका आ गया 28 + a, और ये 3 यहाँ बटे में, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 36। अपने को a निकालना है, तो ये 36, ये 28 इधर जाएगा, जो आपका आंसर कितना आएगा? यहाँ पे हो गया 16 8, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा? 8। एक बार देखना चाहे आप तो देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट में कैसे करना है। और आपको पता है कि अपने पास जितने भी संख्याएं होती हैं उनका योगफल निकालना है, तो दो संख्या तो ये हो गई, इनका योगफल डायरेक्ट सीधा आप काउंट कर लीजिए। आपने पता है कि औसत कितना है? 12। यदि मैं औसत में संख्याओं को मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल संख्याओं का योग आ जाएगा, तो जो सीधा अपने को करना क्या है, उस 3 का मल्टीप्लाई पहले ही यहीं पे कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 36। अपने को पता चल गया है कि इसका नंबर कितना है? 28, तो बस सीधा इसमें से यहाँ से माइनस कर दे, ये आपका शॉर्ट में हो जाएगा आंसर। तो करना क्या है, अपने को चीज़ें कम लिखना है और जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। यदि आपके पास ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 16। कोई भी दो संख्या है उनका योगफल है 16, ठीक है। एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। पहला तो सबसे आसान तरीका, क्वेश्चन को करना है नहीं, पहले ऑप्शन पे जाइए। आप कहाँ जाएंगे? ऑप्शन पे। वही मैं आपको बता दूंगा ऑप्शन पे कैसे जाना है, पहले मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है।
तो अब क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 16 है, ठीक है, मान लीजिए कोई से भी दो संख्या है उनका योगफल 16 है, और फिर कंडीशन दी है कि एक संख्या, कोई से भी एक संख्या है x, दूसरी से तीन गुनी है। कहने का मतलब है कि जो दूसरी संख्या है x उससे कितनी है, या तीन गुनी है। आया समझ में? या फिर एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ, अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक और इजी तरीके पे जाते हैं। एक संख्या दूसरी से तीन गुनी, एक संख्या है कोई से भी एक उससे है तीन गुनी है, ठीक है, इनका रेशियो या अनुपात बन गया 3:1 का, ठीक है। अब इससे भी सोल्व करने का तरीका बताता हूँ और उससे भी सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे एक संख्या दूसरी से तीन गुनी हो गया, तो उसका कहने का मतलब उनका योगफल, तो ठीक है इन दोनों को जोड़ते हैं, ये इनका योगफल, योगफल कितना है 16, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 4x, ये 16, ये x आएगा तो ये 4 इसके बटे में चला जाएगा, तो 16/4, तो 4 × 16, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 4। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए और यहाँ पे भी रख दीजिए, तो देखिए आप ये तो हो गया 4 और ये हो गया 4 × 12, एक तरीका तो ये x। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इतने हमें x का उपयोग जितना कम से हो सके उतना कम करना है, क्योंकि जब यदि आप x मान लेते हो तो आपका कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं लगा सकते वहाँ पे, तो जब जितना हो सके उतना x कम लगाए। अब मैं आता हूँ शॉर्ट तरीके पे, एक संख्या दूसरी से तीन गुनी है, ये आपका रेशो बन गया, एक संख्या हो गई एक दूसरी से तीन गुनी है, तो ये हो गया 3x, ठीक है। अब आपका रेशो क्या करना है, योगफल है, तो दोनों को जोड़िए कितना हो गया 4 और आपका कितना है 16। अब आपको पता है कि रेशो है और ये योगफल है, तो हमेशा इसका भाग देते हैं अपने, तो बस 16 में 4 का भाग दीजिए, 4 × 16, तो आपकी एक तो हो गई 4 और दूसरी हो गई 12। ये आपका शॉर्ट तरीका, ये आपको करना ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं आप ऑप्शन पे, कहाँ जाते हैं अपने ऑप्शन पे। मान लीजिए जैसे आपका वो 16 है ना, ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन, इसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन, और मान लीजिए आपके पास एक ऑप्शन और दे दिया आपको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये आपके चारों ऑप्शन है, 11, 11, 5, 12, 4, 8, 8 और 7, 9। अब आपको देखना है कि योगफल तो 16 दे रखा है, इनका भी योगफल 16 है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई, सेकंड कंडीशन बताते हैं, एक संख्या दूसरी से तीन गुनी, तो बस अपना सीधा तीन गुना देखिए, 5 का 3 गुना कितना होता है 15, ये तो हो नहीं सकता, 4 × 12, मतलब ये आपका आंसर हो गया। आप यह देखिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपना टाइम बचाना है, तो बस करना कुछ नहीं, जो कंडीशन ऊपर अप्लाई हो रही है वो सॉल्यूशन में अप्लाई होती है नहीं, ये देखना है अपने को, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नोट करना चाहते हो आप कर सकते हो, और यही इससे शॉर्ट तरीका कोई होगा ही नहीं। चलिए ये दो क्वेश्चन और देखिए, ये मैं थोड़ा छूट गया था तो आपको बता देता हूँ कि इसमें और टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। 0.0159 में एक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू कि वह किस स्थान पर है, और मैंने ये आपको बता दिया था कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, एक बार और देख लीजिए। यदि मान लीजिए 2, 3, 4 में, यदि 3 का स्थानीय मान क्या हो गया 3, 2 का क्या होगा 2, 0 और 1 का क्या होगा 1, 0, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ देखते हैं कि अपने पास संख्या है 0 के बाद 0.0159। अब सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ है दशमलव, यहाँ पर दशमलव लगाओ तो पहले दशमलव हटाएंगे, सबसे पहला काम अपना दशमलव हटाएंगे, ठीक है। दशमलव लग गया तो नीचे एक कितने पॉइंट संख्या है 1, 2, 3 और 4, तो नीचे 4 0 लग जाएगी। यहाँ तक आया समझ में? बिल्कुल लीजिए, कुछ नहीं करना, जो संख्या दे रखी उसे लिखिए और अपना पॉइंट हटाइए, अपना पॉइंट हट गया। अब आपके पास आगे 2 0 है कोई मतलब नहीं है, तो संख्या क्या बची 159, ठीक है। आपके पास 159 संख्या बची और बटे में 1000 है। अब आप एक का स्थानीय मान देखिए कितना है 1 और 2, एक का स्थानीय मान कितना है 1 और 2, मतलब 2 0 लगाना है आपको, ये आपने 2 0 लगा दिए। अब जो नीचे जो पॉइंट का सॉल्यूशन था वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा पूरा, ठीक है। सॉरी, आपको यहाँ 4 0 लगाना है, 1, 2, 3, 4, क्योंकि पॉइंट के पीछे कितनी संख्याएं थी यहाँ पे 4, तो आपने 4 0 लगा दिए, ठीक है, आपका पॉइंट हट गया। अब जितने भी पॉइंट है उतने पॉइंट लगा दिए, और अपना जो प्लेस वैल्यू था कितना था 1 का 100, वो अपनों ने यहाँ लगा दिया। ये जो 100 ये हमेशा नीचे रखोगे तो आपका फायदा है, ठीक है। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 1/100,
ये आपका एक कप लेस वैल्यू। अब ये मैं इतना आपको समझाने के लिए बता रहा, लेकिन यदि एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने को करना क्या है, पहले देखिए कितने कितने अंक है यहाँ पर, एक और दो प्लेस वैल्यू कितना है इसका 100, ठीक है, नीचे कितना है पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, तो सीधा नीचे ये हो गया आपका आंसर। और आपको करना क्या है, 2 0 से 2 0 चला जाएगा तो आपका बचेगा 1/100, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, आपके पास 3.4625 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, बस सीधा संख्या लिखिए 4625। अब अपने को करना क्या है, पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाएंगे तो एक कितनी संख्या है, 1, 2, 3 और 4, तो 4 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, देखिए 1 और 2, तो ये आपकी 2 की प्लेस वैल्यू, बटे में कितना आएगा जो दे रख जो अपनों ने बनाया है, ठीक है, ये 4 और 0। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 1/1000, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस देखना ये है कि 1 और 2 तो बचे कितने, 3, तो 3 0 लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 बचे कितने, 2 अंक, नीचे 2 0 लगा दीजिए। ये तरीका ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है कुछ बड़े क्वेश्चन बन जाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद में आपको हर कोई बता देगा, संख्याओं में आपको हर कोई बता देगा कि कहाँ से लेना है, लेकिन यदि आप में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आगे पीछे हो सकते हो, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके सर, देखिए ये अगला क्वेश्चन देखिए, 1 × 1 तो इसका आंसर 1, और 11 × 11 का तो 121। इसी तरह से ये संख्याएं बढ़ती जा रही है, यहाँ 3 हो गए, 1, 2, 3, 1, 2, 3 बार रिपीट हो गया। अब देखिए, अब आपको इस तरह से जो सीरीज चल रही है वो सीरीज पहुँची है 1, 2, 3, 4 और 5, कहने का मतलब है कि यहाँ 11 ये जो बना हुआ है ये आप ध्यान दीजिए पूरा, आगे कुछ न कुछ आएगा यहाँ पे, लेकिन अब देखना है कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, सबसे पहले वो देखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 का स्क्वायर, उसके बाद 101 का स्क्वायर, ये हो रहा ना, दो बार रिपीट हो रहा, तो ये हो रहा है। तो इसका मैं आपको दो तरीके बताऊँगा, आप इसमें ध्यान रखना, ये इस तरह का एक क्वेश्चन, यदि आपको एग्जाम में आधा भी आए, यहाँ तक भी आए कहीं, तो आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको तरीका पता होना चाहिए। अब यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर हो रहा है ना, अब यहाँ पे देखिए ये वाला, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो रहा होगा, 11111 का स्क्वायर ही हो रहा है ना, तो इनका स्क्वायर ही निकालना है। लेकिन ये होता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ जी, कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसी संख्या दी हुई तो एक तरीका होता है, आप यहाँ पे भी देख लीजिए 1 और 2, तो उसको 1 और 2 बढ़ाया और फिर पीछे रिटर्न कर दिया, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 तक बढ़ाया फिर पीछे रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, तो पहले इसको 5 तक बढ़ाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर उसको रिटर्न कर देंगे, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप इस तरह से यदि 1, 1, 1 कितना भी बड़ा नंबर हो उसको आप स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो, कहने का मतलब ये है तो स्क्वायर ही है ना बस। तो यदि एग्जाम में यदि आप दूसरी तरह से भी पूछा जाए, यदि आपको दे दे कि आप इसको स्क्वायर निकालिए, तो क्या आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे, तो इसका तरीका होता है, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जिस तरह से क्वेश्चन बने होते, तो अपने को जाना ही नहीं आया कहाँ से, कुछ नहीं करना, कितना है 1, 2, 3, 4, तो ठीक है 1, 2, 3, 4, और फिर पीछे अपने वापस उल्टा कर दे इसको, ये हो गया रिटर्न, ये हो गया आपका आंसर। कहने का मतलब है कि तरीका आसान होना चाहिए, लेकिन होना कहाँ से ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरह से देखेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, x = 1/2 हो तो x + 1/1 + 1 + 1 + x का मान क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो इन क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके होते हैं, या तो आप एक काम कीजिए यहीं से करना शुरू कीजिए, इसको उल्टा करिए फिर ऊपर ले जाएंगे। अब मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बताता हूँ, पहले वो आप समझ लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि मान लीजिए ये है 1 और इसके अपॉन में 1/2 लिखा हुआ है, तो अब इसको सॉल्यूशन करने का एक तरीका होता है, आपको पता है कि इसके बटे में भी 1 होगा, तो चलिए ये 1, इसके बटे में भी 1। अब अपने पता है कि भाग देते तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को उल्टा कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 2/1, तो इसका मान होगा 2। तो कहने का मतलब बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए, तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है
कि यदि आप इसको सोल्व करेंगे और जो नीचे बचेगा वो सीधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यदि हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये जो नीचे है ये सीधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। बस ये इतनी सी चीज़ आप यहाँ से ध्यान रख लेना, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2, ठीक है। तो अब ये एक्स की वैल्यू लिख दी यहाँ पे 1/2, फिर प्लस 1/1 फिर ये 1+1, एक्स का मान क्या है 1/2, ठीक है। हम इसको यहाँ से सोल्व करना शुरू करते हैं, ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो मैं चाहो तो आप यहीं पे लिखना लिख देता हूँ मैं, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया 2, ठीक है। मैंने अभी बताया कैसे आया वो, अब इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 3, तो यहाँ 3 लिख दिया, ये हो गया 3। अब ये 1/3, अब यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे 1+1/3, तो आपको पता है इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 और 1 4, तो यहाँ कितना हो गया 4/3। तो मैं यहाँ साइड में लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और सीधा यहीं पे लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा इसका मान जो है, इस पूरे का मान कितना आ गया 4/3। तो मैं यहाँ पे ये मान लिख देता हूँ, ये हो गया 4/3। अभी मैंने आपको बताया कि ये ऊपर जाएगा, इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस तरह से ये तरीके होते हैं कुछ करने के। तो इसका मान पूरे का क्या आएगा, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि ये 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये कहाँ से आया मैंने अभी आपको बताया, इस तरह से होता है। तो इसका मान आया 3/4। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, 1+2+3/4, इसका हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, इससे 2 बार डिवाइड होगा तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और +3, तो आपका आंसर आएगा 5/4। अब मैं ले आता हूँ इस क्वेश्चन की मेन बेस पे, जिस क्वेश्चन का मतलब होता क्या है। अब आप देखिए ये जो सीरीज चलती है बढ़ती जाती है, यहाँ पे तो आपके पास इजी क्वेश्चन आएगा, और आपके एग्जाम में वैसे मुझे लगता है इजी क्वेश्चन ही आएगा क्योंकि आपका इतना लेवल नहीं है। लेकिन यदि हम कुछ बड़ी एग्जाम देते हैं तो उनमें क्या होता है, ये सीरीज चली और आगे तक बढ़ जाएगी और यहाँ पे कुछ बड़ी संख्या आएगी। तो पहले अपने को करना क्या है, पहले इसको सोल्व करना है, इसका जो मान आया वो यहाँ पे रखना है, और फिर इसको सोल्व करना है, इसका जो मान आया वो नीचे रखना है, फिर इसको सोल्व करना है, और फिर इसमें अपने को जोड़ना है। ये होता है अपना तरीका। बस इसमें कहीं पे आपको आगे पीछे नहीं होना है, बस आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि ऐसा हो, कहीं पे भी ऐसा होता है, तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि हमारे 1 के बेटे में कुछ नहीं लेकिन हमेशा 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/1, और इसका मतलब होता है डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड में संख्याएँ उल्टी हो जाती, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/1, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए, यदि यहाँ पर संख्याएँ चेंज हो तो हम क्या करते हैं, यदि आपके पास 2/3, इसके बटे में भी अगर 4/3 हो तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे, वही तरीका, ये 2/3 ऐसा का ऐसा ही, और इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो इसको आप सॉल्यूशन कर दोगे 2, तो आपका आंसर आएगा 1/2। अब लगे हाथ एक चीज़ और सीख लीजिए, यदि यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए 2/3 / 3/4, यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि डिवाइड कैसे होता है। तो ये 2/3 इसको डिवाइड करते मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं तरीके। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए, यदि 3 क्रमागत विषम संख्या है, ध्यान दीजिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं जो 3 से विभाजित हैं, एक तो वो क्रमागत विषम संख्या भी होनी चाहिए और फिर 3 से विभाजित भी होनी चाहिए, ठीक है, का योगफल 63 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब जी आप ध्यान लगाइए, 3 क्रमागत विषम संख्याएं जो 3 से विभाजित हैं का योगफल 63 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है विषम संख्या कैसी होती है, 1, 3, आगे जाएंगे तो 5, 7, 9। अब समझिएगा, 3 से डिवाइड है ना, तो पहली संख्या तो हो गई 3, दूसरी 9, और आगे जाएंगे विषम की बात कर रहे हैं तो 12 होगा नहीं, तो फिर आएगी 15। मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसका करने का तरीका कि एक काम करते हैं, हम सीधा इस संख्या को, ये जो योगफल दे रखा है, यदि हम योगफल में, हम यदि योगफल में
तीन से डिवाइड, जितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइड करेंगे, कितनी संख्या में बस तीन, तो इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि औसत वह संख्या होती है जो सबके बीच में होती है। ठीक है, तो अपने पता चल गया है कि औसत तो अपना आ जाएगा, तो अपना काम यहीं से हो जाएगा, अपने को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो 63 इनका योगफल दे रखा है। ठीक है, योगफल लिख दिया, संख्या कितनी है, तीन संख्या है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 21। कहने का मतलब ये कि यदि तीन क्रमागत संख्याएं होती है जिनका डिफरेंस सेम होगा, या तो ये मान लीजिए, या फिर मैं आपको एक और बता देता हूँ, कहने का मतलब है कि यदि संख्याएं जो होती है इनका डिफरेंस सेम होता है तो जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका औसत होता है। ठीक है, तो ये हो गया तीन, ये औसत भी हो गया और संख्या भी हो गई। तो कहने का मतलब है कि बीच वाली संख्या भी यही होगी और औसत भी यही होगा। तो एक संख्या तो अपने पास हो गई 21। अब अपने को दो संख्याएं और निकालना है, ये बीच वाली संख्या आ गई, तो आगे इससे आगे संख्या कौन सी होगी जो तीन से डिवाइड हो, एक तो होगी 24, तो वो क्या होगी, सम संख्या होगी। 24 से आगे कौन सी होगी, 27। एक संख्या हो गई 21 और दूसरी हो गई 27। अब इससे पीछे अपने को पता है कि उससे पीछे और इससे आगे, तो अपने को पीछे कौन सी आएगी, 18, तो क्या वो विषम संख्या है, नहीं, तो अपने कौन सी आएगी, 15। अब आपको पता है यदि इसमें से बड़ी संख्या पूछे तो 27, छोटी पूछे तो 15, और बीच वाली पूछे तो 21। अब आपको लग रहा है कि गलत है या सही है, तो एक काम करो, इनको जोड़ लीजिए वापस, 3 और 1 7 और 1 8 8 और 5 3, कितना कैरी बचा, 1 1 ये 2 2 4 और ये 6, आपका आंसर भी पता चल गया आपको कि आपका योगफल भी 63 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी भी संख्या को यदि हम औसत पता चल जाए तो वह संख्या बीच वाली होती है यदि संख्याएं काउंटिंग में विषम संख्याएं काउंट हो रही हो। जैसे कि मान लीजिए 2 4 और 6, 1 2 3 संख्याएं विषम संख्या बन रही है ना, तीन, काउंटिंग तीन की हो रही, यदि हम एक और आगे बढ़ा देते हैं तो फिर नहीं बनेगा। तो इसलिए यह तो आपको पता चल गया इसका औसत होगा 4 और बीच वाली संख्या भी यही होगी। इसी तरह से 1 2 3, इसका औसत भी 3 2 होगा और बीच वाली संख्या भी यही होगी। 1 3 5, सेम डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, तो बीच वाली संख्या भी 3 होगी और इनका औसत भी 3 होगा। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको जल्दी से जल्दी करना हो तो आप देख लीजिए योगफल कितना है, 63, तो सीधा 63 में संख्याओं का भाग दीजिए, आपका औसत आ जाएगा और औसत आएगा बीच वाली संख्या। अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि संख्या या तो 3 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए या फिर 7 होनी चाहिए, इस टाइप से संख्याएं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ संख्या कितनी बन रही है, 7 संख्या है। यहाँ पे 1 2 3 संख्याएं बन रही है, यहाँ पे 1 2 3, यदि हम 4 ले लेते हैं, 4 संख्या, तो फिर यह नहीं लगेगा, केवल विषम पर ही लागू होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, और किसी का यदि कोई डाउट हो तो भी हमें सेंड कर दीजिएगा, और यदि हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, और यदि आप क्लास आप जब देखना शुरू करते हैं तो पूरी देखिए, और यदि आपने इससे पहले की क्लास छोड़ दी है तो वो भी देखिएगा। हम आपके लिए वर्ग 3 का पूरा सिलेबस आपके लिए इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी और सारा जो बाल विकास आपका जो भी पूरा चैप्टर है वो सब पढ़ाया जाएगा। तो बस आप हमारे साथ में बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू।